चेंबूर के दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेंद्र माहुलकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी का दामन थाम लिया और अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल कर दी। इस दौरान भारी संख्या में राजेंद्र माहुलकर समर्थक और वंचित के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। माहुलकर के इस धमाकेदार एंट्री ने चेंबूर के चुनावी रंग को एक नया मोड़ दे दिया है। उतना कम है, इसका अभी करने का टाइम है। अभी इनका आवाज लोग ही बता देंगे क्या कर रही है। मैं बताने से लोग अभी घूम रहा हूँ सब वार्ड में, तालुका में, तो लोग बता रहे इन्होंने क्या किया और अब इनको क्या करना है। या मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, तो आपको शायद देना चाहिए न्यूज़ में, लेकिन आप क्या है थोड़ा सा पता नहीं मुझे अभी। नहीं, ये इतनी अच्छी पार्टी है, इसका नेतृत्व मैं कांग्रेस में भी था, लेकिन बाड़ा साहब जो बाला साहब अंबेडकर जी का नेतृत्व है ना, बहुत खूबसूरत नेतृत्व है। वो बहुजन समाज को आगे ले जा सकता है, इसलिए मैं प्रेरित होकर ये पार्टी में प्रवेश किया। चेंबूर तालुके की अगर बात करें तो सर, बड़ी संख्या में दलित समाज और मुस्लिम समाज है, ऐसे में वंचित अघाड़ी का आपको टिकट है, तो इन मतदाताओं से आप क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं भी खुद वंचित हूँ। जब भी बाबा साहब ने आरक्षण दिया तो उस टाइम दलित समाज, हिंदी समाज, आगरी समाज और धनगर समाज, ये पहला हम लोग इसमें आए थे। तो अभी उन्होंने देने के बाद हम लोग को तो मिला समझ को हमारे, अभी खुशी की बात और है भाई, अच्छी है कि जो उस टाइम वंचित थे आज वो भी मांग रहे हैं, अब उनको भी मिल रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि बाबा साहब का विजय तो हुआ ही है। ये कहना है कि यहाँ पे जो जिस पार्टी का MLA है उसके खिलाफ बहुत नाराज है। इससे पहला भी MLA था उसके खिलाफ, तो ऑलरेडी उनको बाजू में ही रख दिया लोगों ने। तो नया कोई तो चेहरा आना चाहिए काम करने वाला। और मैं तो 15 साल नगर सेवक था भी, मेरी मिसेज 5 साल भी, और मेरे वार्ड के लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात कि वार्ड में जितने भी मेरे मतदार आए, वही चेंबूर में भी सब आते जाते रहे, तो लोगों को भी पता है, मेरे मतदार को भी पता है कि ये व्यक्ति है जो उम्मीदवार है, वो काम कर सकता है, लोगों को राह दे सकता है। पब्लिक मेरे साथ अभी लड़ाई रहेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक अभी पूरे बम्बई से। हम देख रहे हैं कि आज वंचित अघाड़ी के सामने सिर्फ सेना और BJP है। हम कांग्रेस को या NCP को हम हमारा प्रतिस्पर्धी मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखा दी है लोकसभा में उनकी ताकत। अभी जो ताकत है, जो लड़ाई है, वो सिर्फ वंचित अघाड़ी और BJP की। इसके लिए महाराष्ट्र में पूरी तरह जो लड़ाई होगी वो वंचित अघाड़ी और BJP के साथ ही होगी, बाकी कोई नहीं। राजेंद्र माहुलकर जी को जब ये एहसास हुआ कि आज तक वो वंचित है, इसके लिए वो वंचित के पास आ गए। बाला साहब ने उनको टिकट दिया, पूरा समाज आप देख रहे हो उनके साथ है, बाला साहब को मानने वाले, और जो 18 बलूतेदार है ये बलूतेदार भी उनके साथ है। तो जन समुदाय यहाँ पे जमा है, उनका मैं अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी उनके पुष्पहार और आज जो वंचित अघाड़ी के नेता अपने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नातू जो प्रकाश अम्बेडकर जी है, उन्होंने जो भरोसा माहुलकर जी साहब के ऊपर दिया है, उसको हम जीत में और लोगों की समस्या सब निकाल के एक वंचित अघाड़ी लोकशाही जो खत्म करने जो सत्ताधारी निकले उनको दिखा देंगे इसी माध्यम से कि जो भरोसा प्रकाश जी ने माहुलकर साहब के ऊपर दिया है वो उसके ऊपर हम खड़े उतरेंगे। और एक बार प्रकाश जी का मैं धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने इसका भी नाम समझा।